हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर, और आज का ये वीडियो हम लोग का होने वाला है पार्ट थ्री। ओके, टॉपिक वही है, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो पिछले पार्ट्स में हमने बेसिकली इन दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। तो आज का जो पार्ट होगा, हम लोग इस थर्ड टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत हो सका तो हम लोग कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट के जो रूल है उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है, बेसिकली इसमें क्या है, मैजिक स्क्वायर को क्रिएट करना सीखना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मैजिक स्क्वायर है क्या, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्रिएटिंग मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले स्क्वायर बना लेते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। एक ऐसा स्क्वायर है। अब सपोज करिए, इसको हमने फर्दर n बाई n, ठीक है। स्क्वायर हम लोग का कैसा होता है, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर नंबर कहलाता है। तो उसी तरह से अगर कोई स्क्वायर इस तरह से डिवाइडेड हो कि जितने ही रोज हो उतने ही कॉलम्स हो, तो वो स्क्वायर, मतलब मैजिक स्क्वायर सिर्फ डिवीजन से नहीं कहलाएगा, उसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज है। तो फिलहाल पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जो मैजिक स्क्वायर बनेगा उसके अंदर जो डिवीजन्स होंगे वो भी स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, और जितने आपके रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे थ्री कॉलम्स है एंड थ्री रोज है। रोज कॉलम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो रोज होंगे और जो वर्टिकल्स होंगे वो कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे तीन कॉलम्स, जैसे एक ये, दूसरा और तीसरा, तीन कॉलम्स हो गए और तीन रोज, एक दो तीन। तो जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए मैजिक स्क्वायर में, पहला ये समझना है। और दूसरी बात, जो ये आपके जो बीच में स्क्वायर्स बने हैं छोटे छोटे, उनमें कुछ नंबर्स होंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, है ना। अभी हम लोग समझने के लिए सिर्फ अल्फाबेट्स यूज करते हैं नंबर्स की जगह पे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि हम लोग इन नंबर्स को रो वाइज ऐड करें या कॉलम वाइज या डायगोनल, समझ लीजिए ये हो गया, ये वाला जो हमारा होगा, ये जो आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, एक डायगोनल है हमारा। उस तरह से दूसरा डायगोनल कौन होगा, तो ये सभी नंबर्स, मतलब एक डायगोनल में ए ई आई है और एक सी ई जी है। तो डायगोनल वाइज ऐड करें या रो वाइज या कॉलम वाइज, जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए, तभी हम उसको मैजिक स्क्वायर कहेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 3। तो ये एक जो हमने मैजिक स्क्वायर बनाया ये 3/3 का है, ठीक है, 3/3 का मैजिक स्क्वायर है। ओके, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे नंबर्स की जगह पे अल्फाबेट्स यूज़ किया है। अगर मैजिक स्क्वायर बनाना तो कैसे बना सकते हैं, तो ये तो आप समझ गए हैं कि मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, और प्लस उनमें जो नंबर्स फिल्ड होते हैं उनका सम आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें या डायगोनल वाइज, कांस्टेंट आता है सम। कांस्टेंट मतलब जो इधर से जोड़ने पर आएगा वही इधर से जोड़ने पर आएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना। तो मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ इस तरह से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। अब 3/3 का मैजिक स्क्वायर बनाना है, तो 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, मतलब हमें 9 नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 9 नंबर्स लिखा है। अब कोई भी, क्या हम लोग कोई भी नंबर लिख कर मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी नंबर्स गिवन हो उनके बीच जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम होना चाहिए। जैसे 3 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 2। 3 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 2। 5 और 7 का डिफरेंस, 2। हर जगह आप क्या देख रहे हैं, 7, 9, 9, 11, किसी का भी जब आप डिफरेंस नहीं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी हम उन नंबर्स को यूज़ करके मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये है, ठीक है। अब
वो डिफरेंस जरूरी नहीं कि हर बार दो ही हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, टू ले लेते हैं और फाइव, टू प्लस थ्री मतलब थ्री का डिफरेंस है, तो प्लस और थ्री करिए, एट इलेवन फोर्टीन एंड थ्री सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स। तो यहाँ पे नाइन नंबर जो मिले हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस थ्री है, तो इनको भी यूज़ करके हम एक थ्री बाई थ्री का मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो गिवन नंबर हो उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए हर जगह। तो हमें ये नंबर्स मिल गए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे पहले। अब थ्री बाई थ्री है तो इसके अंदर फिर से हम लोग को थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स बनाने, ये थ्री कॉलम्स हो गए, अब ये थ्री रोज हो गया, लिख दिए। तो ये इसमें हमको इन नंबर्स को फिल करना है, किस तरह से फिल करना है, कि हम लोग रो वाइज ऐड करें या कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज, आंसर हमारा सेम है। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं फिल कर सकते, डायरेक्ट फिल करेंगे तो वो बहुत हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक अलग रफ में एक स्क्वायर बनाएंगे पहले, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए सेम वही रहेगा, ठीक है, बस क्या करना है कि हमको एक स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, इस तरह से आपको कर देना है। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ हमारा बीच में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये बीच में तो नाइन डिवीजन हो गया, लेकिन साइड साइड से और भी एक दो तीन चार आपके एक्स्ट्रा स्क्वायर बन गए हैं, इससे कंपेयर करेंगे आप, तो ठीक है। तो इस तरह का आप शेप आपको आपको बना लेना है, और जो नंबर्स दिए गए हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, आप ये वाला सेट नंबर लीजिए, ये लीजिए, जो आपको कोई भी मर्जी ले सकते हैं। तो मैं अभी ये ले रहा हूँ, अब इसको आपको इस डायरेक्शन में फिल करना है, ऐसे मतलब पहले इसमें, फिर इसका नीचे वाले में, और फिर इसके नीचे वाले, फिर इसमें इसमें और इसमें, फिर इसमें इसमें और इसमें, इस डायरेक्शन में भरते जाना है, ठीक है। थोड़ा स्क्वायर अच्छा नहीं बना, लेकिन देखा जाए तो एक ऐसा होना चाहिए जिसका एक इसका ये पॉइंट और इसका वर्टिसेस जिसका मैच कर रहा है, इस तरह से इस डायरेक्शन में हमको नंबर फिल करना है। तो इस बॉक्स में हम क्या भर दिए, वन भर देते हैं, तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें मैंने वन फिल किया तो इसमें थ्री और इसमें फाइव। अब फिर इस वाले बॉक्स में क्या भरेंगे, सेवन नाइन इलेवन, अब थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे भर दिया। अब करना क्या है कि आपको जो जब आपने ऐसे भरा तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मेन हमारा इसी तरह का ना स्क्वायर बॉक्स है, यही मेन है, और ये जो है ये बाहर वाले हैं, वन थर्टीन वन थर्टीन सेवनटीन और फाइव, ये बाहर के बॉक्स में नंबर आए हैं, तो उनको छोड़ देना है, और ये जो नंबर है एज इट इज़ कॉपी करके इसमें लिख देना है। तो आप देखेंगे यहाँ का जो सेवन है उसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे सेवन होना चाहिए, और ये थ्री इस बीच वाला को छोड़कर यहाँ पे होना चाहिए। नाइन हमारा क्या है, ठीक सेंटर में है, फिफ्टीन इस कॉर्नर पे है और इलेवन इस कॉर्नर पे, तो ये फाइव नंबर्स तो हमको मिल गए। अब आप ध्यान दीजिए इसको जोड़कर देखिए क्या सही हो रहा है, ये इलेवन प्लस सेवन एटीन एंड प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन, और इधर फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एंड प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन, मतलब डायगोनली तो आप देख रहे हैं कि ये सही हो गया है। हमारा डायगोनली जब हम ऐड करेंगे नंबर्स को तो सेम आना चाहिए, तो दोनों तरफ दोनों ही कंडीशन में 18 आ रहा है, आई मीन 27, तो ये तो हमारा सही हो गया। बचे ये चार नंबर, तो करना है क्या है कि ये जो आपने छोड़ा हुआ था नंबर 1, 5, 17 और 13 को, अब इसको क्या करना है, उल्टा करके भर देना। जैसे 1 यहाँ पे सबसे ऊपर है तो इसमें सबसे नीचे लिख दीजिए, 17 सबसे नीचे तो इसको ऊपर कर दीजिए, हो गया। और अब अगेन यहाँ पे 13 लेफ्ट में है तो इसको राइट में भर दीजिए, और 5 राइट में तो उसको लेफ्ट में भर दीजिए। अब इससे ही जो आपका बना, अब आप चेक करके देख लीजिए, इसको आप जोड़िए, 7 प्लस 3 प्लस 17 आपको क्या मिलेगा, 27। इसको आप ऐड करके देखिए, 13 प्लस 5 प्लस 9 आपको क्या मिलेगा, 27। इधर से ऐड करके देखिए 27 ही मिलेगा, या ऊपर नीचे ऐड करके देखिए 21 ही मिलेगा, या ऐसे ऐड करके देखिए आप 21 ही मिलेगा, और डायगोनली तो हम लोग ऐड करके चेक कर ही लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, एक मैजिक स्क्वायर बन गया 3 बाई 3 का, जो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखा था।
अब आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही एक मैजिक स्क्वायर, ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, इसे बना के आप ट्राई कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया करना क्या है। इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाना है, नंबर्स जैसे मैंने बताया डायगोनली फिल कर देना है, बीच वाले नंबर्स को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, और जो छूटे हुए नंबर उसको डायरेक्शन चेंज कर, मैंने ऊपर का नीचे लेफ्ट का राइट रिप्लेस कर देना है। तो इससे हमारा एक मैजिक स्क्वायर बन जाएगा 3x3 का, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया है। अच्छा, इसमें एक बात आ रहा है मैजिक कांस्टेंट और 3x3, तो आप समझ रहे हो। तो मैजिक कांस्टेंट क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर, तो इसमें ठीक सेंटर पे जो ये नंबर आ रहा है 9, यही 9 कहलाएगा हमारा मैजिक कांस्टेंट। मतलब हियर मैजिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 9, सॉरी मैजिक कांस्टेंट 9 नहीं होता है, मैजिक कांस्टेंट वो होता है जो हम लोग को सम करने से मिलता है, सेंट्रल नंबर है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, दिस इज आवर सेंट्रल नंबर 9 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ठीक बीच में, इसको बोलते हैं सेंट्रल नंबर। सेंट्रल नंबर क्या हो गया 9। अब मैजिक कांस्टेंट क्या है, तो जो हम लोग जोड़ने पर जो हमें एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है वही है मैजिक कांस्टेंट। इस कंडीशन में क्या हमें मिल रहा था 27, है ना, तो 27 इज द मैजिक कांस्टेंट। और n, n समझ लीजिए, n भी एक आता है इसमें, तो n वो है जो बताता है कि ये जो मैजिक स्क्वायर बना है किस ऑर्डर का बना है, ना, तो ये 3x3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे n क्या है 3 है। अब इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है, आप ध्यान दें, तो जो हमारा n है और ये सेंट्रल नंबर है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैजिक कॉन्स्टेंट के बराबर आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, That n multiplied by central number is equal to magic constant, या magic constant is equal to n multiplied by central number। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, magic constant n into central number, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए सेंट्रल नंबर क्या होता है, मैजिक कांस्टेंट क्या है, एन का मतलब हम क्या समझेंगे, और इनके बीच जो रिलेशन है मैजिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एन इनटू सेंट्रल नंबर, इसको भी आप समझ गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो हमारे बुक में दिया था उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाना है, मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो गया 3, और मैजिक कांस्टेंट क्या हो गया 24। तो सेंट्रल नंबर क्या होगा, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से अगर आप ध्यान दें तो सेंट्रल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मैजिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन, है ना। तो सेंट्रल नंबर इज इक्वल टू मैजिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन, मतलब 8 हो जाएगा सेंट्रल नंबर, मतलब जो हमारा मैजिक स्क्वायर बनेगा उसके ठीक बीच में 8 आएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करें इस 8 को, तो यहाँ पे जैसे हमारा सेंट्रल नंबर है, तो कितने नंबर पे, 1, 2, 3, 4 फिफ्थ नंबर पे। यहाँ भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेंट्रल नंबर हमारा यहाँ से करने पर बीच में ही आ रहा है ना, यहाँ भी ये बीच में है और ये यहाँ भी बीच में है। तो फिर क्या होना चाहिए, बाकी के नंबर्स क्या होने चाहिए, ये हमें समझना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं बाकी के नंबर्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सेंट्रल नंबर है, बाकी नंबर तो है नहीं। सेंट्रल नंबर 8 है और मैजिक कांस्टेंट 24 है। तो चलिए एक मैजिक स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं मैजिक स्क्वायर, उसके बाद देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड अदर नंबर्स। अब देखा जाता है यहाँ पे 8 होना ही चाहिए, यहाँ पे तो 8 है कंफर्म, है ना। अब इधर से है सम 24 के बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखते हैं अभी। तो मैंने बस एक ऐसे ही मैजिक स्क्वायर बनाया है, है ना, मतलब रोज और कॉलम्स में उसको डिवाइड किया है, और जैसा कि सेंट्रल नंबर हमें 8 मिला है तो मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप ध्यान दें तो 8 से पहले यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस हैं,
और 8 के बाद भी 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस हैं। तो हम लोग को 8 के पहले कितने नंबर्स हैं और 8 के बाद में कितने नंबर्स हैं पहले ये तो जानना पड़ेगा, मतलब जो मिनिमम नंबर कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। तो नंबर्स क्या हो सकते हैं, नंबर्स आर, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि जो जो भी नंबर्स होंगे, सेट ऑफ नंबर्स होंगे, उनके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो हम लोग चाहे तो दो दो का डिफरेंस भी ले सकते हैं और वन वन का भी डिफरेंस ले सकते हैं। तीन तीन का अगर डिफरेंस लेंगे तो निगेटिव में नंबर चला जाएगा, हम लोग पॉजिटिव ही भी ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ मैं कि एक एक का डिफरेंस ले रहा हूँ, है ना। आप चाहे तो दो का डिफरेंस भी लेके चेक कर सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको जो मैजिक स्क्वायर बनेगा वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक एक का डिफरेंस ले रहा हूँ। तो 8 के पहले में 4 नंबर होना चाहिए, डिफरेंस 1 का है, यानी कि 8 के पहले 7 होगा, उसके पहले 6 होगा, उसके पहले 5 होगा और उसके पहले 4 होगा, चार ही नंबर होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, इसके और कोई नंबर नहीं हो सकता। और 8 के बाद क्या होगा, तो 9, 10, 11 एंड 12, यही जो हो गए 9 नंबर्स हमारा सेट ऑफ नंबर्स बन रहा है, जिनको यूज़ करके हमें इस मैजिक स्क्वायर को फिल करना है। अब आपको क्या करना है कि अगेन रफ वर्क हम लोग कैसे किए थे, छोटा सा यहाँ पे हम एक मैजिक स्क्वायर बना दे रहे हैं इस तरह से, और क्या था, एक बीच में एक हम लोग का इस तरह से डिवाइड हो रहा था, राइट, और फिर एक ऊपर से इस तरह से, और फिर हम लोग इसमें ऐसे डायगोनल वाइज भर रहे थे नंबर्स को। तो सबसे पहले टॉप में भरेंगे 4, फिर उसके नीचे वाले, नीचे के बगल वाले स्क्वायर में 5, और फिर उसके नीचे के बगल वाले स्क्वायर में 6, फिर इसके नीचे के लेफ्ट साइड में 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमने एक रफ में कर लिया इसको। अब देखिए यहाँ भी सेंट्रल में हमारा 8 आ रहा है, तो हम क्या क्या कौन कौन से भरेंगे, ये जो बाहर वाले जो स्क्वायर बने 4, 6, 12 और 10 को छोड़कर बाकी नंबर को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9 हो गया। अब ये जो 4 है सबसे ऊपर जो है उसको हम लोग सबसे नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पे, और 12 को सबसे ऊपर, है ना, 4 नीचे आ गया, 12 ऊपर आ गया, 10 उधर चला जाएगा और 6 इधर चला आएगा, बन गया हमारा मैजिक स्क्वायर। अब आप इसको चेक करके देख लीजिए, 7 + 5 = 12 + 12 = 24 आ रहा है आपका, इधर से ऐड करिए 11 + 7 = 18 + 6 = 24, इधर से भी आ रहा है, डायगोनल भी आप जोड़कर देख सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो बस आपको सेट ऑफ नंबर्स पता करना था, कैसे पता करना मैंने बताया। अच्छा, अगर आप डिफरेंस दो दो का रखते हैं तो क्या सेट ऑफ नंबर्स होंगे, 8 और 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 माइनस करेंगे तो 4, और फिर 2 माइनस करेंगे तो 2, और फिर 2 माइनस करेंगे तो 0, और इधर 10, 12, 14 एंड 16। तो ये आप एक बार खुद से ये सेट ऑफ नंबर्स को लेकर ट्राई करिएगा कि क्या ये जो हमारा गिवन कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है ये सेट ऑफ नंबर्स, इसको आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये 4x4 है, ठीक है ना, हमको इसको कंप्लीट करना है। तो 4x4 पे भी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, तो पहले हम लोग 4x4 को चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, 4x4 मैजिक स्क्वायर को पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको फिल करेंगे। तो बेसिकली 4x4 यानी 16 स्क्वायर बॉक्सेस रहेंगे इसमें, है ना, 16 स्क्वायर बॉक्सेस, मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ नंबर्स हो जाएगा 4 × 4 एंड 16 सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे। तो वो नंबर हम लोग अगेन वही डिफरेंसेस सेम होने चाहिए जो भी नंबर्स हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही करते हैं, इस बार इवन नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, या कोई दूसरा पैटर्न ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, 3, 14, 17, 20, 23, 26, कितना हो गया ये, 9 हो गया, है ना, 29, 32, 35, 38, 41, कितना हो गया,
44 and 47, ये हो गया हमारे 16 नंबर्स। अब इन्हीं 16 नंबर्स को यूज़ करके हमें एक 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो मैंने बात कहा कि जो भी आपके सेट ऑफ नंबर्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हर जगह सेम होगा, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको डिफरेंस 3 का मिलेगा, 2 का भी 1 का भी कुछ भी होना चाहिए लेकिन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 4x4 का स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, मतलब ये कि उसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स होना चाहिए। तो देखिए ऐसा बॉक्स बनाने के लिए सबसे आसान क्या है कि आप उसको बीच से दो भाग में बांटें, फिर इसको दो भाग में बांटें और फिर इसको दो भाग में बांटें, तो 4 कॉलम्स बन गया। अब अगेन फिर इसको दो भाग में बांटेंगे और फिर ये इसको दो भाग में बांटें और इसको दो भाग में बांटें, तो इस तरह से ये 4 रोज भी बन गया, ये आपका मैजिक स्क्वायर बन गया। तो ये जो है हमारा, मैंने रफ बनाया है, जो ओरिजिनल बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा। ठीक, ओरिजिनल यहाँ पे आप बना लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट मैजिक स्क्वायर बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब करना क्या है? तो जैसा हम लोग उसमें करते थे कि एक अलग से बाहर निकल जाता था, तो वैसा इसमें नहीं करना है, इसमें सीधे आपको जो नंबर्स दिए हैं लाइन से भर देना है। जैसे यहाँ पे 2, 5, ये बहुत इजी है, उसके कंपैरिजन में ये इजी ही है। थर्टी एट, 41, 44 एंड 47, तो ये हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, किन बात का ध्यान देना है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका डायगोनल बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे जो आपके डायगोनल्स में ये 4 नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 17, 32 एंड 47, और इधर से जब आप डायगोनल बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे डायगोनल बन गया। ठीक है, अब आपने डायगोनल को घेर दिया। अब अगेन वही जो बचा है उस नंबर को एज इट इज आप यहाँ पे रख दीजिए, मतलब 5, 8 देखिए ना सेकेंड और थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5, 8, 23, 35, 44 एंड 41 एंड ये 26, 14। ठीक है, ये तो आपका फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे जो बचा है देखिए, जो 2 सबसे लेफ्ट कॉर्नर में है उसको आप सबसे राइट के बॉटम कॉर्नर में रिप्लेस करना, मतलब यहाँ से इसके ठीक अपोजिट वाले साइड में ये जो डायगोनल बन रहा है इसमें 2 और 47 ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनको रिप्लेस कर देना है, मतलब 2 के जगह पे 47 और 47 के जगह पे 2 हो गया। और फिर अगेन ये 17 और 32 को भी आपस में रिप्लेस कर देना, जो इसके सेकंड बाकी नंबर है 17 और 32, इसको भी रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे 32 यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, तो एक डायगोनल आपका फिल हो गया, क्या किया आपने, फर्स्ट को लास्ट, सेकंड को सेकंड लास्ट। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे जो टॉप राइट कॉर्नर में है वो है 11, उसको आप क्या करें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, यानी 11 के प्लेस पे आपको 38 लिख देना है और 38 के प्लेस पे 11, और अगेन यहाँ भी 20 और 29 को भी रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पे 29 और यहाँ पे 20 आ गया। तो इस तरह से आपका ये बन गया मैजिक स्क्वायर। अब हमें वेरीफाई करना है, हम ऐड करके चेक करेंगे क्या हर एंगल से ऐड करने पर हमारा जो सम है वो सेम आ रहा है, तो आप चेक करके देखिए 47 प्लस, इसीलिए हम लोग छोटा नंबर लेना चाहते थे, मगर चलिए ठीक है, प्लस 13 98 आ रहा है। ठीक है, इसको हमने ऐड किया। अब आप कहेंगे कि 13 का तो मैंने डायरेक्ट 5 + 8 = 13 लिख दिया है, बात एक ही है। अब आप इसको ऐड करिए 14 + 32 + 29 + 23, ऐड करेंगे तो 98 आ रहा है। तो आई होप आप जब बाकी को भी काउंट करिएगा तो सब में 98 ही आएगा,
चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ भी 98 आ रहा है, इसको भी ऐड करिए, यहाँ भी 98 आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं जो भी मैजिक स्क्वायर होने का कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ 4x4 मैजिक स्क्वायर। कैसे बना, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैजिक कांस्टेंट क्या है, तो 98 है, लेकिन इसमें कोई सेंट्रल नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो ये कंपेरेटिवली उससे ईजी ही है। तो ये तो हम लोग सीख गए थे, इसको हमें पूरा करना है। कैसे करेंगे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम लोग किसी 4x4 मैजिक स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा क्या चेंज होता है, ये डायगोनल ही वाला वैल्यूज चेंज होता है, यही चेंज होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हमारा ओरिजिनल है तो इसको जैसे हम लोग बनाते समय जो रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, मतलब 21 को 36 और 36 को 21 से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 21 और यहाँ पे 36, अगेन एफ और सी को रिप्लेस कर देंगे तो ये सी एफ हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करें, ये जो सेकेंड डायगनल है इसको भी वापस रिप्लेस कर दें, तो 24 और 33 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 33 हो जाएगा, और ई 30 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 30, यहाँ पे, अब बाकी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, हमने इसको मतलब जो हम लोग मैजिक स्क्वायर बनाते समय जैसे करते थे पहले वैसे किए हैं ताकि हम लोग को वैल्यू आसानी से मिल जाए। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23, 24, तो बीच में आपको ऑब्वियसली लग रहा है 22 होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस है ये 21, 22, 23, 24, 25, तो ये क्या होना चाहिए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, मतलब आपको वैल्यू मिल गया ऑलरेडी। तो यहीं से अब देखकर आप यहाँ पुट कर दीजिए, पुट नहीं भी करिएगा आप आंसर सीधे यहाँ पे लिख दीजिए क्लियरली, ए इज इक्वल टू 22, बी इज इक्वल टू 29, सी इज इक्वल टू 26, डी इज इक्वल टू 35, ई इज इक्वल टू 27, एफ इज इक्वल टू 31, हो गया, ठीक है ना, समय नहीं लगा एकदम। हमने क्या किया, उसको फिर से रिवर्स करके वैल्यू क्विकली फाइंड कर लिया। अब ये क्रिएट ए 4x4 मैजिक स्क्वायर विथ मैजिक कॉन्स्टेंट 98, ओके ये तो वही है जो हमने बनाया था 2, 3, 5, ओ व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैंने जो एग्जांपल में जो नंबर लिया था बेसिकली ये वही है, तो आप वहाँ से इसको खुद ही बना लेंगे, ठीक है ना, सो दिस इज ऑलरेडी सॉल्व, आप वहाँ से इसको बना लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट में हम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, इस पर ही आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, है ना, और जो ये अगला जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इससे, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में ही हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और जो बाकी का है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाकी में बेसिकली हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को ही सीखना है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।